दोस्तों करौली धाम का यह है जो वीडियो आप देखने वाले हैं, माँ कामाख्या देवी हॉल आप यह देख पा रहे हैं। बहुत लंबा सा हॉल देख रहा है। यहाँ पर भाई जब अर्धी बंदन होते हैं, जब कोई यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले माँ कामाख्या देवी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर भोग प्रसाद लग रहा है। वीडियो को देखते रहिए, आगे भेजिए, हर हर महादेव, जय माँ करौली धाम लिखिए और वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अभी क्या भोग लग रहा है माँ कामाख्या देवी जी को, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर भोग लगते हुए, और काफ़ी लोग यहाँ पर मौन हैं। थोड़ा सा बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो भी प्रसाद वगैरह होते हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये त्रिशूल को भोग लगते हुए आप देख रहे हैं। भाई ये कामाख्या देवी हॉल में है, और आप इस प्रकार से कपट लग चुका है मंदिर का, आप देख पा रहे हैं माँ देव कामाख्या देवी की। और ये पुजारी जी प्रसाद का भोग लगाकर आप देख सकते हो भाई, इस प्रकार से भोग लगते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है भाई, अभी किसी को आगे नहीं आने दे देते। ये भोग लगते समय आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे कपाट लग चुका है मंदिर का, भोग लग रहा है माँ का। ये पुजारी जी है, और पुजारी जी अंदर जाते हुए आपको देख रहे। अभी सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आप देख पा रहे, कामाख्या देवी हॉल है ये। कपट खुल चुका है माँ का भोग लगने के बाद, आप देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं भाई, जो मंदिर का कपट है वो खुल गया, और आप भी दर्शन कीजिए ये, ठीक है ना भाई। भोग लगा, भोग लगने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से भाई, दर्शन कर लिया माता का और आप लोगों को भी कराया, और बस ये कामाख्या देवी हॉल में है। अये बे की जय, जय भाई। यहाँ का नियम है, ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं कामाख्या देवी की, जब आप पहली बार यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप 8 नंबर काउंटर में जाइए, आपको वहाँ से पता करना पड़ेगा। जैसे ये मंदिर में एंट्री करते हो, पता करने के बाद आप भाई रजिस्ट्रेशन कराइए, आधार कार्ड दीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अर्जी बंधन लेना है, अगर अर्जी लेना है तो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और पहले रिचार्ज कराइए। आप अपने एक कार्ड मिलता है, एक कार्ड को रिचार्ज कराइए। रिचार्ज कराने के बाद आपको क्या है, अर्जी लेना होता है। अर्जी में आपको 100-100 रुपये लगता है, जो कि जो कार्ड आप रिचार्ज कराते हो, कितने पर्सन की रिचार्ज कराते हो, 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, तो उसी हिसाब से आपको अर्जी लेना होता है कि 2 लोगों के लिए लेना है कि 4 लोगों के लिए लेना है। तो जैसे ही आप सबसे पहले एंट्री करते हो यहाँ पर करौली सरकार के लिए, तो आप आते हो, अंदर आके ही आपको अर्जी लगाना पड़ता है। आप किसी दरबार में जाते हो, किसी दफ्तर में जाते हो, किसी भाई लोक अदालत में जाते हो, कहीं भी जाते हो आप भाई, किसी किसी काम को जाते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर नाम लिखवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से करौली सरकार, करौली महादेव की करना पड़ता है, अर्जी लगाना पड़ता है। आपकी आधार कार्ड के अनुसार आपकी जितने भी एक DNA में लोग हैं, अगर पूरे लोग आए हुए सभी के लिए 100-100 रुपये की अर्जी लेना पड़ता है, और यहाँ पर नमन प्रक्रिया, हवन प्रक्रिया सब कुछ है, लेकिन अर्जी आपको लगाना ही है। अगर अर्जी आकर यहाँ आके नहीं लगाओगे तो आप ये माना नहीं जाएगा कि आप यहाँ आए हैं, तो इसलिए आपको अर्जी जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो सभी लोग अर्जी लिए हुए हैं। आपको अर्जी के लिए कितना पैसा देना पड़ा? 100 रुपये। कहाँ से आया? काउंटर से नहीं, MP छतरपुर से। MP छतरपुर से? जी जी। तो आपने बागेश्वर भी देखा होगा? जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रहते हैं? जी रहते हैं, लेकिन हम कहे नहीं दरबार, क्योंकि हम यहाँ पहले से जुड़े, सन 2019 से जुड़े हैं। 2019 से जुड़े? जी।
कुछ बताना चाहेंगे दरबार के बारे में? नहीं, अब बहुत अच्छा दरबार मिला जो। अर्जी के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को? अर्जी के लिए बस अर्जी कार्ड बनवाया और अर्जी ली बंधन लगाया बस। बंधन के लिए 100 रुपए देना पड़ता जी? जी, तो अगर कोई व्यक्ति पहला आए तो उसके लिए अर्जी जरूरी है? अर्जी जरूरी है। ये कामाख्या देवी जो हॉल देख पा रहे हैं, अर्जी और बंधन हम चाहिए, पहले ही चाहिए वो। आप कहाँ से हो? मैं नासिक से आया, कल मोह में मेरा था, मैं नासिक से आया है, महाराष्ट्र में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आप देख पा रहे हैं भाई। तो अर्जी बंधन सबसे पहले जरूरी है, और अभी माँ का भोग लगा और यहाँ पर त्रिशूल भी है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। करौली सरकार में एक एक करके अपडेट, पल पल की अपडेट आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना, आने वाले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। मैं यही चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। जय कामाख्या देवी। यहाँ पर भाई यही है, त्रिशूल है, भोग है, अर्जी बंधन यहीं पर समाप्त होता है। ये जो हॉल है वो आपको हम दिखा रहे हैं ना, तो वीडियो को यही एंड करते हैं। जय माँ करौली सरकार की।